नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं कुंदन जव्यार। देवभूमि की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की दो सीटों पर वोटिंग जारी है। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर मतदान जारी है। बद्रीनाथ में 3 बजे तक 42.5% और मंगलौर में 3 बजे तक 56.58% मतदान हो चुका है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। 13 जुलाई को दोनों सीटों के नतीजे सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल बंपर वोटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो अच्छे बताए जा रहे हैं। दरअसल मंगलौर में जो मैदानी इलाका है वहां पर 56% से ज्यादा वोटिंग हुई है, लेकिन बद्रीनाथ की बात करें तो 3 बजे तक यह आंकड़ा 42.5% है। दरअसल वहां पर स्थितियां बहुत बेहतर नहीं है, बारिश का मौसम है, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट लगातार जारी हो रहा है कुमाऊं क्षेत्र के लिए, पहाड़ी इलाकों के लिए। ऐसे में 42.5% वोटिंग बद्रीनाथ सीट के लिए हुई है। दूसरी तरफ मंगलौर सीट पर 3 बजे तक 56.58% वोटिंग हो चुकी है। शाम 6 बजे तक वोट डाल सकेंगे मतदाता। रामानुज हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। रामानुज, अगर देखें तो मंगलौर सीट और बद्रीनाथ की सीट देखें तो वोटिंग प्रतिशत, चूंकि हालात दोनों के मैदान के और पहाड़ के अलग अलग हैं, उस हिसाब से देखें उपचुनाव के मद्देनजर सेटिस्फैक्ट्री आंकड़ा है 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत का? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो फिलहाल दोनों विधानसभाओं का एक तरह से क्षेत्रफल है वो अलग अलग है, और यही वजह है कि चूंकि बद्रीनाथ के जो है पूरी पर्वतीय क्षेत्रों में है और मंगलौर जो है वो मैदानी क्षेत्रों में है, तो थोड़ा रुझान में भी अंतर देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर पहले जब जी मीडिया ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि चूँकि आंकड़ा 2 घंटे के आसपास में लेट आ रहा है, तो ऐसे में थोड़ी देर के बाद वो आंकड़ा सरकारी यानी कि आधिकारिक तौर पर जारी होगा, तो एक बार तस्वीर देखने को मिलेगी क्या स्थिति है। लेकिन मतदान की जो प्रक्रिया है वो 6 बजे तक चलनी है। अगर किसी भी पोलिंग स्टेशन पर 6 बजे तक लाइन लग जाती है तो जब तक लाइन कंप्लीट नहीं होगी लोगों मतदाताओं की, तब तक वो आसानी से मतदान कर सकेंगे। तो इस तरह से व्यवस्था की गई है, और चूंकि ये बाई इलेक्शन हो रहा है, उपचुनाव है, तो इसमें जिस तरह से रुझान देखने को मिला है ये माना जा रहा है कि स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेंगे और शाम के वक्त ज़्यादा एक बार फिर मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल सकती है। और तीसरी बात है कि लगातार जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं वो मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि अपने मुद्दों के साथ में वो घर से बाहर निकले और पोलिंग स्टेशन तक आए मतदान करें। तो फिलहाल देखना ये होगा कि अभी 1 से 1.5 घंटे के बाद क्या मतदाताओं की इस दौरान संख्या और अधिक बढ़ती है, और जब निर्वाचन आयोग का वो आंकड़ा जारी होता है तो उस वक्त ये देखना होगा कि आखिर में इस बार दोनों विधानसभाओं के उपचुनाव में कितने फीसदी मतदाताओं ने मतदान किया है। और चूंकि मौसम का थोड़ा मिजाज पिछले 4 दिनों से आपने उत्तराखंड में देखा है, थोड़ा कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है, कुछ दिक्कतें रही हैं, जैसे मंगलौर क्षेत्र है यहाँ पर ज़्यादातर का जो क्षेत्र है वो कृषि का है, ज़्यादातर जो मतदाता हैं वो खेती किसानी करते हैं, तो ये देखना होगा कि शाम के समय क्या एक बार फिर से मतदाताओं की संख्या बढ़ती है। जबकि पर्वतीय क्षेत्र के हिसाब से अगर बद्रीनाथ के देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर मतदाता ये माना जाता है कि दिन में ही निकल कर मतदान करता है, शाम के वक्त उस तरह की भीड़ देखने को कम मिलती है मतदाताओं की। लेकिन फिर भी उपचुनाव है तो ये माना जा रहा है कि शाम के वक्त एक बार फिर मतदाता अपने घर से बाहर निकल सकते हैं और जो अब परसेंटेज है वो एक बार फिर बढ़ सकता है। जी शुक्रिया रामानुज जिस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो दोनों विधानसभा उपचुनाव दोनों सीटों पर अच्छी वोटिंग हो रही है। 42% के आसपास बद्रीनाथ सीट पर और मंगलौर सीट पर भी 56% तक वोटिंग अभी तक हो चुकी है। अच्छे आंकड़े कहे जा रहे हैं, 3 बजे तक का आंकड़ा है फिलहाल।